नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चांद मोहम्मद आप सभी का स्वागत करता हूँ। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में दाद, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन समेत गनोरिया का खतरा बना रहता है। इसी के लिए हिंदुस्तान ने आज हिंदुस्तान हेल्थ हेल्पलाइन का आयोजन किया, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चर्म रोग विशेषज्ञ और चर्म रोग विभाग के HOD डॉक्टर सादिक उमर ने शिरकत की और उत्तराखंड के तमाम जिलों, शहरों और गांवों से आए फोन कॉल्स पर उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किस तरह की समस्याएं लोगों की थी और किस तरह उनका समाधान किया। डॉक्टर, हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि बारिश में फंगल इन्फेक्शन हो जाए या घमोरिया हो जाए तो किस तरह से उनका निदान करें। देखिए, अगर इस मौसम में, बरसात का मौसम है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उमस बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से पसीना बहुत आता है। तो इस पसीने की वजह से दो बीमारियाँ बहुत कॉमन होती है स्किन की। एक होता है फंगल इन्फेक्शन और दूसरा है घमोरिया। फंगल इन्फेक्शन इससे भी ज़्यादा, घमोरी से इससे भी ज़्यादा कॉमन है। ये जो है यूजली गोल गोल निशान हो जाते हैं चकत्ते टाइप के, जो कि जांग पे, चेहरे पे, कूल्हे पे मिलते हैं। अच्छा, बारिश का मौसम है तो बारिश में लोग जैसे काम पे जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, तो उसमें भीग भी सकते हैं, तो वो भीगे कपड़ों में अपने घर तक जाते हैं, पूरे जो भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें मेडिकल स्टोर से लेके कोई अपने मन से ट्यूब ना लगाए, एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट 1.5-2 महीने का जो चलता है वो अपना करके बीमारी से निजात पा सकें। और कोशिश करें कि बरसाती पहने, छाता का इस्तेमाल करें और बारिश ना भीगें। दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम मैंने बताई थी घमौरे की, वो पसीने की वजह से होती है। जब ज़्यादा पसीना आने लगता है तो चमड़ी जो है मोटी हो जाती है, फूल जाती है, फूलने की वजह से पसीने की ग्रंथियाँ बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से घमौरी हो जाती है, उसे कहते हैं मलेरिया रूबरा। तो ये भी बहुत कॉमन है। इसमें क्या इस्तेमाल करना है, एक तो ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और जब भी ये प्रॉब्लम हो तो कैलामाइन लोशन ये लगा सकते हैं सुबह शाम जी, उससे थोड़ा सुकून मिल जाता है। और ठंडे पानी से नहाना है, नहाने के पानी में डेटॉल और सेवलॉन का उपयोग नहीं करना है, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपने निकटतम स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। बहुत सारे जो लोगों का सवाल था वो विटिलाइगो बीमारी को लेकर के था, तो कितनी तरह की होती है और किस तरह के उपचार उनके मेडिकल साइंस में उपलब्ध है। देखिए, विटिलाइगो जो है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हैं। उसमें ये भी है कि किसी की फैमिली में अगर है कि नहीं है, अगर किसी के फैमिली में नहीं है तो जिसको नहीं है उसको भी हो सकता है विटिलाइगो। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है और ये फैमिली में रन करता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड, तो विटिलाइगो होने के चांसेस होते हैं। और जिनको ये प्रॉब्लम रहती है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और थायराइड, उनमें विटिलाइगो में जल्दी असर नहीं आता है जी। इसका जिस भी पैथी से आप इलाज लें, चाहे एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ्स उस पर्टिकुलर पैथी में दें या उस पर्टिकुलर डॉक्टर को दें, जिससे कि असर देखा जा सके, क्योंकि 6 महीने के बाद ही असर आना शुरू होता है इस बीमारी में। ठीक है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा रिजल्ट आता है और कई सारे पेशेंट जो होते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। दो तरह के आप विटिलाइगो अभी बता रहे थे हमारे फोन, उसमें एक विटिलाइगो होता है विटिलाइगो वल्गैरिस और एक होता है सेगमेंटल विटिलाइगो जी। जो सबसे कॉमन विटिलाइगो होता है वो होता है विटिलाइगो वल्गैरिस, जिसमें फैलने के चांसेस शरीर में और पार्ट्स में ज़्यादा होते हैं जी। तो इसमें रिजल्ट भी देर में आता है और अच्छा आ जाता है रिजल्ट। जो सेगमेंटल विटिलाइगो है वो ज़्यादा ना तो फैलता है, वो उतने का उतना ही बना रहता है, उसमें दवा का भी इतना अच्छा असर नहीं आता है। ये भी चीज़ है, किसी किसी पेशेंट में दोनों होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यूजुअली किसी को सेगमेंटल विटिलाइगो है तो उसको विटिलाइगो वल्गैरिस नहीं होगा। ये कई युवाओं के फ़ोन आए कि उनको डैंड्रफ की समस्या है, तो डैंड्रफ को लेकर के थोड़ा सा, बहुत सारे युवा हमारे लाइव से भी जुड़े हो गए वीडियो से, तो उनको डैंड्रफ से किस तरह बचाव करें, कैसे क्या करें, वो बताएं। देखिए, डैंड्रफ जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, वो बनना ही बनना है, किसी को थोड़ा ज़्यादा बनता है, किसी को थोड़ा कम बनता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा बनता है तो उसमें शैम्पू करना ज़रूरी है। आइडियली एक मेल को अगर डैंड्रफ होता है तो उसे डेली शैम्पू करना चाहिए, डेली, और तेल नहीं लगाना चाहिए, डेली शैम्पू करें। अगर फिर भी उसमें आराम नहीं मिल रहा है तो एक मेडिकेटेड शैम्पू होता है कीटोकिनाजोल, वो यूज़ करा जा सकता है।
फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनके बाल लंबे होते हैं, सुखाने में दिक्कत आती है, तो एवरी ऑल्टरनेट डे दे कैन यूज अ शैम्पू और अ कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू। ठीक है, ये चीज है। इसमें बहुत सारी महिलाएं खासकर युवतियाँ हमारे फोन कॉल से जुड़ी, उन्होंने झाइयों को लेकर के बहुत समस्याएं बताई। झाइयों के लिए विशेषकर आप क्या बताना? झाइयों के लिए ये है कि एक तो वो हॉर्मोनल थोड़ा प्रॉब्लम होती है, सनलाइट से वो बढ़ जाती है, ठीक हो जाती है लेकिन दोबारा आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती है। तो इसमें धूप से बचाव रखना है, और इत्तेफाक से कोरोना वायरस के चक्कर में हमें मास्क करना पड़ रहा है, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ओके, मास्क की वजह से हमें एक फिजिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है फेस के लिए, तो धूप से बचने में थोड़ा और अच्छा रहता है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो 3-4 महीने में बिल्कुल गायब भी हो जाता है। कई फोन कॉल्स ऐसे थे वो सैनिटाइजर को लेकर के थोड़ा चिंता में थे कि क्या सैनिटाइजर से, कई लोगों ने सवाल पूछे कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि क्या कैंसर हो सकता है, और सैनिटाइजर प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का जो है वो बढ़ते हैं? देखिए, सैनिटाइजर से कैंसर तो नहीं हो सकता है। सैनिटाइजर को जब इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल करने के बाद जब अच्छे से सूख जाए सैनिटाइजर, तो उसके बाद लगाने के बाद जब सूख जाए तो मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो स्किन ड्राई होती चली जाएगी, ड्राई स्किन से फिर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकती है, दैट मीन्स की एलर्जी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें एलर्जी में ये होता है कि रूखापन बहुत ज़्यादा होगा हथेलियों में और नकल्स पे, तो खुजली और जलन भी मचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है सैनिटाइजर लगाने के बाद, और जब भी हाथ धोएं साबुन से तो कोशिश करें सिंडेड सोप यूज़ करा जाए जिसका पीएच 5.5 रहता है, दैट मीन्स की जो स्किन के पीएच के बराबर होता है। उसके बाद जो है वो मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करने के बाद आप जब हाथ को आराम से पोंछ के सुखाना है, रगड़ के नहीं पोंछना है, उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर लगाना है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है मॉइस्चराइजर लगाना। ऐसा नहीं है कि मॉइस्चराइजर लगाने की वजह से सैनिटाइजर जो लगाया उसका एफिकेसी कम हो जाएगी, नहीं, उससे रिजल्ट उतने ही रहेंगे। तो मॉइस्चराइजर बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उनके हाथ खराब हो जा रहे हैं ड्राइनेस की वजह से। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चर्म रोग विभाग के HOD डॉक्टर सादिक इमाम, जिन्होंने बरसात के मौसम में एलर्जी, फंगन, इन्फेक्शन और गंगोरियों से कैसे बचना है विस्तार से बताया, डेंड्रफ के बारे में बताया, और महिलाओं में जो चिंता थी झाइयों को लेकर के उनके बारे में बताया, सैनिटाइजर को आपको किस तरह प्रयोग करना है उसके बारे में भी बताया। तो आप, कोरोना काल चल रहा है, आप जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहिए, बाजार में आना तो पड़ेगा लेकिन सावधानियों के साथ बाजार में आइए, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पूरा प्रयोग कीजिए। हिंदुस्तान लाइव के लिए मैं अपने साथी नवीन कुमार और महावीर चौहान के साथ चांद मोहम्मद तैरा हूँ।